हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एलडीसी की हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अभी एलडीसी में आपका रिजल्ट आ चुका है, उसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द हो जाए इसको लेकर के अभी बोर्ड में चल रहा है काम इसका। और दोस्तों, इसी के बीच में मतलब एससी और एसटी वाले स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एससी और एसटी का जो बैकलॉग है, लगभग 1244 पदों पर जो बैकलॉग जुड़ना बाकी है, तो उसी को लेकर के आज एससी और एसटी वाले स्टूडेंट डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बंगले पर गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार युवा सम्मेलन का पोस्टर भी यहाँ पर चिपका हुआ है। बेरोजगार युवा सम्मेलन का भी अभी तक यहाँ पर पोस्टर चिपका हुआ है, जो कि एलडीसी रिजल्ट को लेकर के किया गया था। और एससी और एसटी वाले स्टूडेंट यहाँ पर लगभग 1244 पदों पर बैकलॉग के पदों को एड करवाने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बंगले पर पहुंचे, और यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के द्वारा इनके पोस्टर का यहाँ पर विमोचन किया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी और एसटी वाले स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनका बैकलॉग भी ऐड कर दिया जाए, ताकि उनकी 2 साल की मेहनत बेकार ना जाए और उनका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 1244 पदों पर ये बैकलॉग मतलब बचा हुआ है। तो इसी को लेकर के आप ये देख सकते हैं, भाई राधे ने सचिन पायलट से भी मुलाकात करी थी आज इनको, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा थी जयपुर में। तो इसी को लेकर के एससी और एसटी के स्टूडेंट बहुत सारे यहां पर सचिन पायलट जी से मुलाकात करी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के द्वारा इनके पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर एमएलए जो कि रमेश मीणा जी, इनके पास भी स्टूडेंट गए थे। ये देख सकते हैं आप, ये आज अशोक गहलोत जी की जो मतलब जो आज उनकी जो सभा थी उसी में एससी और स्टूडेंट के, आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब उनके बैकलॉग को बचाने के लिए यहाँ पर उनके द्वारा गए गए। उसके अलावा देख सकते हैं आप, स्टूडेंट इसको लेकर के काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आप 19 तारीख को डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में जयपुर में इसको लेकर के एक सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका पोस्टर ये देख सकते हैं आप, जिसका पोस्टर जारी हो चुका है, एससी और एसटी बैकलॉग बचाओ। यहाँ पर ये देख सकते हैं एससी और एसटी के स्टूडेंट 19 फरवरी को प्रातः 10 बजे इनकी मुख्य मांग है कि एलडीसी 2018 में रिक्त पद 1244 बैकलॉग पद जल्द जोड़े जाए। उसके अलावा राजस्थान सरकार एससी एसटी के साथ न्याय करे, प्रक्रियाधीन भर्तियों में बैकलॉग जल्द जोड़े। और इसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में जेडीए पार्क मेज नगर जयपुर में, या आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह 10 बजे के लगभग यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एससी एसटी के स्टूडेंट बहुत सारे आएंगे। और इसमें मुख्य मांग यही रहेगी एससी एसटी का बैकलॉग एड हो जाए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि 2 साल से जो स्टूडेंट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मतलब 2 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के घर में खुशी आ सके। इसी को लेकर के दोस्तों आज की अपडेट यही थी। दोस्तों, हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरी अपडेट आपको एलडीसी की हम देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।